आपकी बहू भी आ गई, चलें अब रस्म शुरू करते हैं। जी जी बिल्कुल, शुरू करूं? हाँ हाँ। राय बेटा ये लो, अंगूठी पहनाओ। शैला, अरे राय तो बिल्कुल गुमसुम हो गया। राय अंगूठी पहनाओ। सुहेल इधर भाई के पास आओ ना। नहीं डैड, आई एम फाइन। आप उधर क्यों खड़ी हैं? आप भी आइए ना। जाओ। सुहेल मेरी तबीयत खराब हो रही है, घर चले। हाजरा क्या हो गया? हाजरा बेटा आ जाओ, फोटो सेशन हो रहा है ना पूरी फैमिली का। सुहेल आओ बेटा। सुहेल मैं आपसे कह रही हूँ ना, मुझे बिजनेस हो रही है, प्लीज चलें। बिजनेस हो रही है, मेरे ख्याल में जल्दी कर लेते हैं रसम। मम्मी जी मैं आपसे कह रही हूँ ना, मेरी तबीयत खराब हो रही है, घर चलें प्लीज। हाजरा क्या हो गया? रस्में हो जाएं बस, फिर चलें थोड़ी देर। मैं आपसे कह रही हूँ ना, मेरी तबीयत खराब हो रही है, आप। हाजरा 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 मॉम मॉम, अरे देखो संभालो उसे, क्या हुआ? ऐसे लोग हैं दादी ये लोग, इन्हें कोई दुख ही नहीं है। तुम्हें बाहर जाना ही नहीं चाहिए था। बाहर नहीं जाती तो इन लोगों की बेइज्जती कैसे देखती? अगर दुल्हन बेगम के अलावा कोई देख लेता और पहचान लेता तो? कौन पहचानता, कोई नहीं पहचानता। अगर दुल्हन बेगम ने मैडम को कुछ बता दिया, अब तुम की रिश्तेदारी हो गई है। अगर उन्हें रिश्तों का इतना ही एहसास होता ना, तो अब तक शर्म से मर जाती। गैरत और शर्म के नाम के जनाजे सिर्फ गरीबों के घर से निकलते, चाहे वो बाप का हो या बेटी का, इन लोगों का कुछ नहीं जाता। तबीयत सही हो गई तुम्हारी अब? हाजरा तुम जाओ। तुम्हें अंदाजा भी है कुछ कितने शॉर्ट नोटिस पर उन लोगों ने सारा अरेंजमेंट किया था? तो आप लोग रुक जाते हैं ना वहां, ताकि लोगों को लगता है कि हम अपनी बहू का ख्याल नहीं रखते। हम लोग ऐसा क्यों समझेंगे? मैं हूं ना अपनी बीवी का ख्याल रखने के लिए। सुहेल तुम्हें समझ नहीं आता, क्यों नहीं तुम्हें नजर आता कि वो ड्रामा करती है सब कुछ राय की खुशी बर्बाद करने के लिए? देखिए मॉम, मैंने आपको पहले भी बताया था उसकी तबीयत का। तो दिखाओ ना किसी डॉक्टर को जाकर, पता तो चले आखिर कौन सी बीमारी है जो राय के ससुराल जाते ही हो जाती है उसे। पता है मुझे कौन सी बीमारी? मेरा मतलब है कि वीकनेस है, रेस्ट करेगी तो ठीक हो जाएगी। आप भी जाके रेस्ट करें, काफी रात हो गई है।
आप किसी और लड़की से बात करेंगे तो हक तो मेरा ही मारा गया ना। वो कैसे? क्योंकि आप पर, आपकी बातों पर, आपके वक्त पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक। तुम्हारा वो क्यों यार? क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं। वो 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 वन सेकंड एक्सक्यूज मी, तुमसे ये किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? आपने? मैंने? आपकी आंखों ने, आपकी बातों में, आपके हर एक एक अंदाज में। यहाँ क्यों बैठे हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? ना, ठीक है। तुम भी मुझसे नाराज हो? नहीं सोहेल भाई, मैं किसी से नाराज नहीं। तबीयत खराब हो रही है, घर चलें प्लीज। हाजरा क्या हो गया? रस्में हो जाएं बस, फिर चलें थोड़ी देर। मैं आपसे कह रही हूँ ना, मेरी तबीयत खराब हो रही है। आप सुहेल, तुम्हें समझ नहीं आता, क्यों नहीं तुम्हें नजर आता कि वो ड्रामा करती है सब कुछ रायत की खुशी बर्बाद करने के लिए? देखिए मॉम, मैंने आपको पहले भी बताया था उसकी तबीयत का। तो दिखाओ ना किसी डॉक्टर को जाकर, पता तो चले आखिर कौन सी बीमारी है जो रायत के ससुराल जाते ही हो जाती है उसे। अब कब तक उन लोगों के लिए आंसू बहाओगी? मुझे यकीन नहीं आ रहा दादी, अम्मी जी इतनी खुश। तो तुम क्या सोच रही थी? मैं तो समझती थी कि भाभी ने अम्मी जी से कह दिया होगा, उनकी गलत फहमी अपनी जगह है। लेकिन मेरी याद तो आती होगी ना। याद क्यों आएगी? क्योंकि वो मुझे बेटी कहती थी। माँ का रिश्ता इतना कमजोर होता है? बेटी, अभी दिखाती हूं तुम्हें। ये देखो। ये क्या है दादी? तुम खुद को जिनकी बेटी समझती थी ना, ये जहर उन्होंने तुम्हारे बाप के हाथ में दिया था। ये तो प्रेगनेंसी रिपोर्ट, वो भी मेरे नाम की। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए खत दिया है। लेकिन ये तुम्हारे बाप ने कहा था कि जब माँ पारा कमजोर होने लगे तो उसको ये दे दीजिएगा, वो मजबूत हो जाएगी। लेकिन दादी ये मेरी नहीं, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आई है। इसीलिए तुमसे कह रही हूँ कि ये आंसू पोंछ लो।
ये लोग इस काबिल नहीं है कि तुम उनके लिए खुद को तकलीफ दो। कैसे हो सकती है? मुझे ऐसा क्यों लगा?